नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक ऐसा वक्त आएगा मुसलमान कलमा पढ़ने वाले नेक जन्नत में, गुनाहगार जहन्नम में, दरवाजा बंद हो जाएगा, डोर बंद हो जाएगा। जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह है ही नहीं, मैं नहीं मानता अल्लाह, और जिन्होंने कोई नेक काम नहीं किया, अल्लाह पे फेत है, अल्लाह है, वो जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना वो कहेंगे तुम में हमें डिफरेंस क्या है, तुम में हमें डिफरेंस क्या है, तुमने अल्लाह को माना तुम भी जलील हो रहे हो, हमने अल्लाह को नहीं माना हम भी जलील हो रहे हैं। नबी पाक पर अल्लाह को गैरत आएगी, अल्लाह कहेगा ये नहीं हो सकता, जिसने मुझे माना और जिसे नहीं माना वो बराबर इक्वल नहीं हो सकते, दरवाजे खोलो जन्नत तो उनको निकाल को जन्नत में डाल दो। ऐसी अल्लाह की रहमत है। और मौलवी साहब को यकीन नहीं है, मौलवी साहब कहता है मैं किसी को जन्नत में नहीं जाने दूंगा, सारे काफर, कुछ खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह से डरो। जिसको सबसे कम जन्नत मिलेगी ना वो जन्नत का राइट नहीं होगा उसको, हदीस पाक है, वो कहेगा या अल्लाह जन्नत में मेरा राइट नहीं है, मेरे गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं। एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े होने की परमिशन दो कि मैं जन्नत को देख लूं। अल्लाह कहेगा कोई और नहीं मांगना, अल्लाह नहीं मांग, मेरे तो उम्र ही नहीं है, मैं कौन जन्नत, जन्नत में जा ही नहीं सकता, बस आप ना उसके डोर के सामने जाने दो तो मैं डोर के अंदर देखूं जन्नत कैसी है। अल्लाह कहेगा ठीक है, वो आके ना डोर के सामने ऐसे ऐसे करेगा, फरिश्ते कहे क्या करता है, वो कहेगा सही नजर नहीं आ रही इधर से। हदीस पाक है, क्या फिर क्या चाहता है, क्या अल्लाह से मेरी रिक्वेस्ट करो इधर से सही नजर नहीं आ रही तो मुझे जन्नत के डोर पे खड़े होकर देखने दो मैं सही देखूंगा। अल्लाह कहेगा और कुछ नहीं मांगना, या अल्लाह और कुछ नहीं मांगूंगा, उसको परमिशन मिलेगी, वो दरवाजे के अंदर खड़े होकर ऐसे कर देखेगा, वो कहेगा या अल्लाह ये जो ठंडी ठंडी हवाएं और ये जो नहरें हैं, अगर मुझे इतनी परमिशन दो मैं करीब होकर उनको देख लूं। फरिश्ते कहेंगे तुझे शर्म नहीं आती, पहले दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, फिर दरवाजे में खड़ा हुआ, अब कहता है कि अंदर जाके नहरें देख लूं, पानी देख लूं जन्नत का, पर या अल्लाह एक रिक्वेस्ट है माने तो तेरी मेहरबानी। अल्लाह कहेगा इसको गवाह के अंदर देख ले, हदीस पा के वो अंदर आ जाएगा। वो कहेगा या अल्लाह अगर मुझे कुछ जन्नत की कुछ साइड कोना मोना कार्नर मारो थोड़ा सा आप दे दो, तब ना निकालो तो तेरी रहमत बहुत है। फरिश्ते से लड़ेंगे तेरे में शर्म ही नहीं है, एक मांगता फिर आगे मांगता है, आवाज आएगी मेरे बंदे तुझे मैंने जलती कर दिया। जब अल्लाह कहे तो जंती कर दिया तो सोचेगा कि मैं तो जन्नत में मुझे तो आना ही नहीं था क्योंकि मेरा तो एक्शन ही ऐसे नहीं थे, अब अल्लाह ने मुझे जन्नत में आने की इजाजत दी है तो जंतियों को जन्नत डिवाइड हो गई, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया, तो अब जन्नत में क्या बचा होगा, अब जन्नत में क्या बचा होगा, जंती जन्नत में चले गया, उनको जन्नत अलाट हो गई, जन्मियों को जन्म अलाट हो गया, अब मेरा तो राइट ही नहीं था, तो अब जन्नत में मेरे लिए क्या बचा होगा। आवाज आएगी मेरे बंदे तू ये सोच रहा है, आर यू थिंकिंग, अब तुम सोच रहे हो कि अब जन्नत में मेरे लिए क्या बचा होगा। वो नजर नीचे करके बोलेगा या अल्लाह तू तो दिलों को जानता, मैं सोच रहा था कि अभी जन्नत में मेरे लिए क्या बचा होगा। अल्लाह कहेगा तूने मेरी वर्ड देखी थी, मेरी वर्ड देखी थी, या अल्लाह पूरी वर्ड तो नहीं देखी थी, मैंने फलां कंट्री फलां सिटी फलां कंट्री मैंने ये देखे थे। अल्लाह फरमाएगा जो मेरी पूरी वर्ड उससे 10 times ज्यादा तेरी जन्नत है।
टेन टाइम्स वर्ड से भी ज्यादा जिसका राइट भी नहीं था उसको जन्नत मिलेगी, और जो पहली जन्नत में जाएंगे वो पता नहीं क्या कुछ लेंगे। खुदा की रहमत नहीं। और फिर वही कहूंगा, मौलवी कहता मैं किसी को जन्नत में जाने नहीं दूंगा, तो किसकी माने? मौलवी की माने कि अल्लाह की माने? सारी काफर, ये भी काफर, वो भी काफर, काफर काफर, छोड़ो यार, अल्लाह को नवाजने दो, देने दो। हमारे पेट में क्यों दर्द होता है? अल्लाह देना चाहता है तो हमारे पेट में क्यों दर्द होता है? खुश होना चाहिए ना। अल्लाह करे सारी बख्शे जाए, सारी जन्नत में चले जाए। तो ये तो नहीं हमारी जन्नत कम करके अल्लाह उनको देगा, अल्लाह की जन्नत है इतनी बड़ी, अल्लाह की रहमत और उम्मीद हो। रसूल पाक ने फरमाया मैं तुम्हें जन्नत का रास्ता बताऊं, एकदम या रसूलल्लाह बताएं। फरमाया ये अल्लाह का खौफ है, ये अल्लाह की रहमत, ये अल्लाह का खौफ, ये अल्लाह की रहमत, इसके दरमियान सीधा जन्नत में रास्ता। अल्लाह का खौफ क्या है? अल्लाह से डरे, अल्लाह के डर से अल्लाह का हुक्म माने, और अल्लाह के डर से अल्लाह की नाफरमानी ना करे, ये अल्लाह का खौफ और अल्लाह की रहमत। फिर 100% फेथ हो अल्लाह ने मुझे जन्नत देनी है, ये जो चीज है इसके सेंटर में, ये जन्नत का रास्ता।